हेलो एवरीवन, आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है रोमा अ क्ले। यह एक फ्रेंच टर्म है। इस वीडियो में हम इस टर्म का ओरिजिन, मीनिंग और इस टर्म के लिटररी एग्जांपल्स देखेंगे। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। रोमा अ क्ले, ध्यान दीजिएगा, ये फ्रेंच टर्म है। इसका प्रोनाउंसिएशन रोमा अ क्ले है, ना कि रोमन अ क्लेफ। इसको लिवर अ क्ले भी कहा जाता है। जैसा कि मैंने बताया, ये फ्रेंच टर्म है और इसका इंग्लिश में मीनिंग नॉवेल विद अ की है। रोमन अ क्ले का मीनिंग अ वर्क ऑफ फिक्शन इन विच एक्चुअल पर्सन्स एंड रियल लाइफ इंसिडेंट्स आर प्रेजेंटेड अंडर फिक्शियस नेम्स एंड इंसिडेंट्स। तो इसमें होता क्या है, जो रियल लाइफ के इंसिडेंट होते हैं, जो रियल लाइफ के अंदर के जो पर्सन होते हैं, उनको ही वर्क में इंक्लूड किया जाता है, उनको ही वर्क में दिखाया जाता है। लेकिन वो रियल लाइफ की कैरेक्टरिस्टिक और रियल लाइफ पर्सन के कैरेक्टरिस्टिक वहां पे दिखाई देते हैं, लेकिन उनके नाम फिक्शनल होते हैं। उनको डिसगाइज तरीके से फिक्शनल वर्क में प्रेजेंट किया जाता है। जैसे एनिमल फार्म, सभी जानते हैं, जॉर्ज ऑरवेल की बहुत ही ज्यादा फेमस नॉवेल है। वहां पे नेपोलियन, स्टुअर्ट, विल्किंटन, ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जो कि उस समय के बहुत ही बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे द की इज द रिलेशनशिप बिटवीन द नॉन फिक्शन एंड द फिक्शन। तो यहाँ पे नॉवेल विद की में की का मतलब क्या होता है, की का मतलब है जो रिलेशनशिप होता है रियल लाइफ और फिक्शनलाइजेशन में, उसको की कहते हैं। मतलब एक छोटा सा बुक होगा या फिर कुछ अटैचमेंट होगा, वहां पे ऑथर उसकी की देंगे। की देंगे मतलब उसका मेंशन करेंगे कि ये कैरेक्टर किसको रिप्रेजेंट करता है, वो की होती है। बहुत बार की प्रोवाइड की जाती है ऑथर की तरफ से सेपरेटली, लेकिन बहुत बार वो नहीं भी की जाती है। रीडर अपने आप ही पहचान लेता है कि ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो फिक्शनलाइज कैरेक्टर। दिस की मे कॉमनली बी गिवन सेपरेटली बाय द ऑथर और इंडिकेटेड बाय द यूज ऑफ एपिग्राफ्स और अदर लिटररी टेक्निक्स एज अ क्लियर गाइडलाइन टू द टेक्स्ट। जैसा मैंने अभी कहा, ये जो की है सेपरेटली ऑथर निकालता है। पहले जमाने में नॉवेल्स सीरियलाइज होते थे, तो वो सब खत्म होने के बाद ऑथर उसकी की भी पब्लिश करता था। लेकिन कभी कभी जो एपिग्राफ्स होता है वर्क के शुरुआत में, वही पे ये की दी जाती है। उसमें मेंशन होता है कि कौन सा फिक्शनलाइज्ड कैरेक्टर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, या फिर कोई अदर लिटरेरी टेक्निक्स यूज की जाती है जो टेक्स्ट को गाइड करता है, उसे ही की कहा जाता है। रोमा अ क्ले का ओरिजिन 17th सेंचुरी फ्रांस में है, जब ऑथर्स लाइक मैडलेन डिस्क्यूरी इंक्लूडेड रियल लाइफ कैरेक्टर्स फ्रॉम द कोर्ट ऑफ लुई 14 इन देयर हिस्टोरिकल रोमांसेस। तो इस टर्म का ओरिजिन 17th सेंचुरी फ्रांस में है, जब ऑथर्स जैसे मैडलेन डिस्क्यूरी अपने हिस्टोरिकल रोमांसेस में रियल लाइफ कैरेक्टर लुई 14 के कोर्ट में, दरबार में जो रियल लाइफ नाइट्स होते थे, कैरेक्टर होते थे, उनको डिस्गाइज तरीके से अपने हिस्टोरिकल रोमांसेस में इंक्लूड करते थे, तभी से इस टर्म का ओरिजिन हुआ। और उसके बाद बहुत सारे राइटर्स इस टर्म को यूज करने लगे। अब इंग्लिश लिटरेचर में किस किस ने इसको यूज किया है, कि जो बहुत ही फेमस और इम्पोर्टेंट नॉवेल्स है और उनके ऑथर्स के बारे में अब यहाँ पे जानते हैं। अभी मिसेस मैनलीज द न्यू अटलांटिस 79 में पब्लिश किया गया, वो भी की के साथ पब्लिश किया गया। थॉमस लॉ पीकॉक्स नाइटमेयर एबी इंक्लूडेड कैरिकेचर्स ऑफ कोलरिज, बायरन एंड शेली। तो थॉमस लॉ पीकॉक की नाइटमेयर एबी जो कि 1880 में पब्लिश हुई, उसमें कोलरिज, बायरन और शेली को इस नॉवेल में दिखाया गया है। इसका इस तरीके से अल्डस हक्सले की पॉइंट काउंटर पॉइंट जो कि 1928 में पब्लिश हुई, उसमें डीएच लॉरेंस, ओसवाल्ड मूजली, मिडलटन मरे, इनके पर्सनालिटीज थी। जैक केरुआक का ऑन द रोड, उनके खुद के लाइफ एक्सपीरियंस को फिक्शनलाइज तरीके से यहाँ पे प्रेजेंट किया गया है। और मैंने एग्जांपल दिया है जॉर्ज ऑरवेल का एनिमल फार्म, ये रोमा अ क्ले नॉवेल है। और भी बहुत सारे नॉवेल्स है इंग्लिश लिटरेचर और वर्ल्ड लिटरेचर में जो रियल लाइफ इंसिडेंट्स या फिर रियल लाइफ कैरेक्टर्स को डिस्गाइज तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई होप कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड।